आईपीएल के इस 14th एडिशन में आए दिन धमाकेदार मैचेस और टॉप क्लास परफॉर्मेंसेस देखने को मिल रही हैं, जहां कोलकाता नाइट राइडर्स के अगेंस्ट मुंबई इंडियंस की अनबिलीवेबल जीत इस बात का सबूत है कि भाई आईपीएल में कभी भी कुछ भी हो सकता है। हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिकेट लाइन गुरु। दोस्तों, आज अपने इस प्री मैच एनालिसिस में हम कवर करेंगे 15th अप्रैल को होने वाले अपकमिंग कॉन्टेस्ट को, जो खेला जाएगा राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच। अब सबसे पहले तो आपको मैच से जुड़ी बड़ी खबर बता दें कि इंजरी के चलते बेन स्टोक्स बाकी सभी मैचेस से बाहर हो गए हैं, यानी कि आईपीएल से रूल आउट हो चुके हैं, और जोफ्रा आर्चर के बाद ये राजस्थान के लिए दूसरा बड़ा झटका है। खैर, फटाफट से आइए दोनों टीम्स का हेड टू हेड कंपैरिजन करके देख लेते हैं कि अभी तक दोनों टीम्स में से किस टीम का बोलबाला आईपीएल में रहा है। तो दोस्तों, दिल्ली और राजस्थान के बीच टोटल 22 मैचेस खेले जा चुके हैं, जहां दिल्ली जीती है 11 बार, तो वहीं राजस्थान भी 11 बार जीत चुकी है। मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर की यहां पे बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स का रहा है मैक्सिमम स्कोर 196 रन, तो वहीं राजस्थान रॉयल्स का रहा है 201 रन। मिनिमम स्कोर की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स का रहा है 60 रन, तो वहीं राजस्थान का रहा है 115 रन। एवरेज स्कोर दिल्ली कैपिटल्स का रहता है 151 रन, तो वहीं राजस्थान रॉयल्स का एवरेज स्कोर रहा है 155 रन। अब इन स्टैट्स को देखने के बाद दोस्तों, दोनों ही टीम्स का अब तक का सफर बराबरी का रहा है। रन्स के मामले में राजस्थान का ग्राफ भले ही थोड़ा सा ऊपर दिखता है, बट यहां पर दोस्तों आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दें कि राजस्थान दिल्ली के अगेंस्ट लास्ट मैच जीती थी 2018 में, एंड सिंस देन वो लगातार 5 मैचेस हार चुके हैं। काफी लंबा गैप है, राजस्थान विल डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड कि वो अपने इस हार के सिलसिले पर ब्रेक लगा सके, बट एट दिस सिचुएशन यहां पर थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। साथ ही दोस्तों, आज का बड़ा सवाल यह है कि वो कौन सा बॉलर होगा जो इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में 4 या 5 विकेट हॉल लेने में सक्सेसफुल होगा। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। साथ ही डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, बेल आइकन प्रेस करें और आईपीएल से जुड़ी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाते रहें। अब आ जाते हैं अपने दूसरे सेगमेंट पर और बात करते हैं मैच के वेन्यू की। Once again, ये मैच खेला जाएगा मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, और जैसा कि हमने फोर्थ मैच में प्रेडिक्ट किया था, स्कोर हायर एंड पर ही रहा था। बात करें टॉस की तो वेन्यू का पहला मैच रन चेस करने वाली टीम ने जीता था, तो सेकंड कॉन्टेस्ट फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम के नाम रहा था, बट वी एक्सपेक्ट कि इस बार भी टॉस जीतकर कैप्टेंस बॉलिंग करना पसंद कर सकते हैं। अब एक बार हम नजर डालें वानखेड़े में करंट सीजन में खेले गए मैचेस के स्टैट्स पर, तो दोस्तों अभी टोटल 2 मैचेस ही खेले गए हैं, जहां पहले बैटिंग करने वाली टीम एक बार जीती और रन चेस करने वाली टीम भी एक बार जीती है। हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर की बात करें तो वो रहा है पंजाब के नाम 221 रन 6 विकेट पर, और लोएस्ट स्कोर रहा है कोलकाता नाइट राइडर्स के नाम 188 रन 7 विकेट पर। खैर, बॉलिंग के लिहाज से देखा जाए तो ट्रैक गेंदबाजों को उतना फेवर नहीं करता दिखा है, और ऑलमोस्ट सभी बॉलर्स की इकोनॉमी 9 के अराउंड रही है। साथ ही नजर डालें इस ग्राउंड पर बॉलर्स के अभी तक के प्रदर्शन पर, तो दोस्तों लास्ट 2 मैचेस में टोटल 23 विकेट्स लिए जा चुके हैं, जहां पेसर्स ने चटकाए हैं 20 विकेट, तो वहीं स्पिनर्स के नाम रहे हैं 2 विकेट, और 1 विकेट रन आउट द्वारा लिया जा चुका है। अब फटाफट से दोनों टीम्स को इंडिविजुअली एनालाइज कर लेते हैं। पहले बात करते हैं टीम राजस्थान रॉयल्स की। भाई, पंजाब के खिलाफ राजस्थान भले ही अपना फर्स्ट मैच हारी थी, बट कैप्टन संजू सैमसन की 63 बॉल्स में शानदार 119 रनों की पारी ने नो डाउट सभी का दिल जीता था। खैर, देखा जाए तो क्रिकेट इज नॉट अ वन मैन शो, और अब जब बेन स्टोक्स आईपीएल से रूल्ड आउट हो चुके हैं, तो ऐसे में टीम की परेशानी और बढ़ती दिख रही है। फॉर अ चेंज, स्टोक्स की जगह टीम एक बैट्समैन को चूज करती है या बॉलर को, ये एक बड़ा डिसीजन है, क्योंकि डेविड मिलर और एंड्रयू डायर दोनों ही इस पोजीशन को फिलअप करने के दावेदार हैं। गौर करें इनकी बल्लेबाजी पर, तो दोस्तों मनन बोरा एज एन ओपनर क्विक स्टार्ट देने में सक्सेसफुल रहे थे, बट उसे मेंटेन नहीं कर पाए थे। स्टोक्स की एब्सेंस में इस बार हम जॉर्ज बटलर को ऊपर खेलते देख सकते हैं, एंड इन द मिडिल ऑर्डर शिवम दुबे और रियान पराग टीम को अच्छा मोमेंटम प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ ही इन्हें राहुल देवतिया और क्रिस मॉरिस का अच्छा सपोर्ट भी मिलता है, जो कि डेथ ओवर्स में हिटिंग कैपेबिलिटीज रखते हैं, तो फर्स्ट मैच में दोनों ही कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए थे। बात करें बॉलिंग अटैक की, तो दोस्तों राजस्थान एक अकेली टीम है जो 8 बॉलर्स के कॉम्बिनेशन के साथ उतरी थी, बट एज दे से टू मेनी कुक्स स्पॉइल्ड द फूड, रियान पराग और न्यूबी चेतन सकारिया के अलावा सभी बॉलर्स महंगे साबित हुए थे विद एन एवरेज इकोनॉमी ऑफ 10। श्रेयस गोपाल और मुस्तफिजुर रहमान दोनों ने ही टोटल 7 ओवर्स में 85 रन दिए थे, वहीं पेसर क्रिस मॉरिस ने भी 4 ओवर में 41 रन दिए थे, बट 2 क्रूशियल विकेट्स भी निकाले थे।
और ऐसे में हो सकता है टीम की प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस किए जाएं, जहां एक एक्सपीरियंस बैट्समैन की टीम में एंट्री हो सकती है टू गेट अ स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप। ये तो हुई बात राजस्थान रॉयल्स की, बढ़ते हैं दिल्ली कैपिटल्स की ओर। दोस्तों चेन्नई के अगेंस्ट दिल्ली ने 7 विकेट से शानदार जीत दर्ज करी थी और इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में एक बार फिर ऋषभ पंत की नई लीडरशिप के अंडर टीम जीतने की पूरी कोशिश करने वाली है। टीम की सलामी जोड़ी पृथ्वी और शिखर दोनों ही उमदा फॉर्म में है, जहां पहले ही मैच में दोनों ने 138 रन की शानदार पार्टनरशिप की थी। अनलाइक राजस्थान, दिल्ली के पास एक्सपीरियंस्ड टॉप 6 बैट्समैन मौजूद हैं, जिनमें मार्कस स्टॉइनिस, शिमरन हिटमायर और अजिंक्य रहाणे शामिल है। गौरतलब है कि लास्ट सीजन में दिल्ली को फाइनल तक पहुंचाने में स्टाइलिश स्टॉइनिस ने काफी मेजर रोल प्ले किया था, हालांकि चेन्नई के अगेंस्ट वो काफी खर्चीले साबित हुए हैं। यहां पर गौर करें टीम के बॉलिंग अटैक पर तो दोस्तों क्रिस वोक्स और आवेश खान काफी उम्दा फॉर्म में दिखे हैं, जहां लास्ट मैच में दोनों ने ही दो दो विकेट्स अपने नाम किए थे। टॉम करन और अश्विन भी विकेट्स लेने में सक्सेसफुल रहे थे बट काफी महंगे भी साबित हुए थे। सो ओवरऑल देखा जाए तो बॉलर्स थोड़ा वीक दिखे हैं, जिन्हें आगे के मैचेस में अपनी लाइन एंड लेंथ मेंटेन करने की जरूरत है। टीम्स को एनालाइज करने के बाद दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों ही टीम्स के संभावित 11 खिलाड़ियों की, यानी कि प्रोबेबल प्लेइंग 11 की। तो दोस्तों राजस्थान की ओर से ये मैच खेल सकते हैं मनन वोरा, संजू सैमसन, जॉश बटलर, डेविड मिलर, रियान पराग, शिवम दुबे, राहुल तिवतिया, क्रिस मॉरिस, श्रेयस गोपाल, चेतन सकारिया, मुस्तफिजुर रहमान। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की ओर से ये मैच खेल सकते हैं ऋषभ पंत, शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, अजिंक्य रहाणे, मार्कस स्टॉइनिस, शिमरन हेटमायर, क्रिस वोक्स, रविचंद्रन अश्विन, टॉम करन, अमित मिश्रा और आवेश खान। फाइनली अब आ जाते हैं अपने फुल प्रूफ एनालिसिस के कंक्लूजन पे। तो दोस्तों दिल्ली के कंपैरिजन में राजस्थान के पास एक्सपीरियंस बैट्समैन की थोड़ी सी कमी है, प्लस अभी बाकी बैट्समैन जो है संजू सैमसन के अलावा उन्होंने अपना पूरी तरह से कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है। और बात करें यहां पर बॉलिंग की तो दोनों ही टीम्स ने अपने अपने मैचेस में इनके जो बॉलर्स थे वो थोड़े महंगे साबित हुए थे। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि अगर हम बात करें दिल्ली और राजस्थान के कंपैरिजन की तो दिल्ली के बॉलर्स थोड़े ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते दिखे हैं। ऐसे में दोस्तों हमें लगता है कि दिल्ली इस मैच को जीतने की प्रबल दावेदार है। आपके हिसाब से कौन ये मैच जीत सकता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। भाई आज के इस प्री मैच एनालिसिस में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे आईपीएल की एक और अपडेट के साथ। सो स्टे ट्यून्ड, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट लाइव।